खसाड़ा गांव में शादी के बाद चल रहे सुरुचि भोज कार्यक्रम में स्पीकर बंद करने की बात को लेकर हुए हंगामे के दौरान दुल्हन पक्ष के युवकों ने दूल्हे के दोस्त के पेट में चाकू घोंपकर उसकी हत्या का प्रयास किया। घायल अभिषेक इंगोले है। अभिषेक के भाई सूरज तुकाराम इंगोले की शिकायत पर कपिलनगर पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया। आरोपी पारस शिवराज बिटले सागर शंकर शेंडे को गिरफ्तार कर एक नाबालिग को हिरासत में लिया है। पुलिस के अनुसार खसाड़ा गांव में स्वरुचि भोज कार्यक्रम में 10 अप्रैल को रात करीब 10 से 10:30 बजे के बीच आरोपी पारस बीटले सागर शेंडे रतनदीप बागड़े और विधि संघर्षग्रस्त बालक अमर नगर त्रिपूर्ति चौक हिंगना निवासी थे। यह सभी दुल्हन पक्ष के हैं। कार्यक्रम में सूरज इंगोले प्रज्ञाशील बौद्ध विहार के पास नागपुर निवासी और उसका भाई अभिषेक इंगोले भी गए थे। घरेलू स्पीकर पर गाने बजाए जा रहे थे। कार्यक्रम में दुल्हन पक्ष से आए उक्त लोगों पर आरोप है कि वे अभद्र तरीके से डांस कर रहे थे, इसलिए स्पीकर पर बज रहे गानों को बंद कर दिया गया। गाना बंद करने पर आरोपी दूल्हे के मित्र अभिषेक इंगोले और उसके मित्र तेजस नगराले के साथ विवाद करने लगे। विवाद बढ़ने पर आरोपियों में से किसी ने अभिषेक के पेट में चाकू घोंप कर उसकी हत्या का प्रयास किया। घटना के बाद अभिषेक के भाई सूरज ने कपिलनगर थाने में शिकायत की। पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी पारस बीटले सागर शेंडे और एक नाबालिग को धर दबोचा। फरार आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है। काल कपिलनगर पुलिस शादी मध्ये खसाळगाव या ठिकाणी एका लग्न समारंभाचं रिसेप्शन होतं। मुलगा जो आहे तो खसाळगावातला होता, अश्विन नरेंद्र तबाली याचं लग्न रिसेप्शन होतं खसाळगावमध्ये। नवरी मुलगी आहे ती राहणार अमर नगर एमआरडीसी पुलिस स्टेशन या भागातली होती। रिसेप्शन करता नवरी मुलीचे नातेवाईक मित्र तसेच मुलाकडचे जे मित्र आहेत ते सर्व उपस्थित होते। मुलाच्या घरी कार्यक्रम सुरू असताना त्या ठिकाणी घरगुती स्पीकरवर गाणी वाजवून त्याच्यासोबत डान्स वगैरे करायचं सुरू होतं। त्यावेळेस नवरी मुलीकडील जे लोक आले होते त्यांनी अभद्र पद्धतीने डान्स करत असल्याने गाणं गात असल्याने काही लोकांनी गावातील स्पीकर बंद केला आणि त्याचा राग घेऊन त्यांनी सांगितलं की आम्हाला डान्स करायचा आहे, स्पीकर सुरू करा। तर त्याच्यामुळे त्यांच्यात वाद झाला। त्या वादामध्ये जो फिर्यादी आहे याला नवीकडच्या लोकांनी त्या 3-4 लोकांनी मिळून मारहाण केली, म्हणून जखमी जो आपल्याकडे आहे। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ रीता हडके, BCN न्यूज नागपूर।